हेलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि जाफर भाई ने बताया है कि इंफरादी तदबीर जो मॉड्यूल हमने इख्तियार किया है उसकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखते हैं। इंफरादी तदबीरी मॉड्यूल का मकसद दरअसल यही है कि हर फर्द इंफरादी तौर पर अपनी तरबियत कैसे कर सकता है, उसके लिए कुछ नसाब, कुछ ऑडियो वीडियो मवाद है, कुछ रिटन मवाद है, वो उसको तरतीब लगा कर पेश किया, एक जगह रखा गया है वेबसाइट के ऊपर, जो कि हमारी यहाँ पे एक वेबसाइट है जो हमने यहाँ पे बनाई है मनका जुबेर के तहत तरबियत डालने के। तो उसके सामने आपके सामने वीडियो भी यहाँ पे चलेगी, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जब आपने इसको एक्सेस करना है तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, आपके पास अगर कोई भी स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइस है, या आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप कंप्यूटर है, या आपका मोबाइल फ़ोन, उसमें आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाना है। जो वेब ब्राउज़र है आपका, वो क्रोम हो सकता है, मोज़िला हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, कोई भी है, सफारी हो सकता है, आईफोन ज़्यादातर चलता है, कोई भी आपका जो वेब ब्राउज़र है उसमें आप जाएंगे और आपको यू आर एल बार में आप tarbiyat.pk का यू आर एल टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद इस पर कुछ मवाद आपको वीडियो में और कुछ साइट पे, कुछ साइट बार में लिंक्स में आप नज़र आएंगे, सामने मेन्यूज भी मौजूद हैं जिसमें जो भी वेबसाइट के ऊपर मवाद है मुख्तलिफ अशकाल में वो आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा तारफ वेबसाइट का करा के आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो टॉप पे आपको एक ब्लू कलर की बार नज़र आ रही है, जो मेन्यू बार है दरअसल, उसमें सबसे पहले आपको सर्वर नज़र आ रहा है, सर्वर के बाद आपको हदीस नज़र आ रही है, और हदीस के बाद कुरान मजीद है, सीरत है, ये कुछ मेन्यूज हैं दरूज कुतुब बच्चों के लिए, और साथ साथ इनके सब मेन्यूज भी कुछ मौजूद हैं। हर मेन्यू में उससे मुतलिक मवाद मौजूद है, कुछ में सब मेन्यूज मौजूद हैं, कुछ में सब मेन्यूज मौजूद नहीं है। तो इसी तरह ये आखिर में अगर आप देखें तो आपको आखिर में नज़र आता है इंफरादी तरबीती मॉड्यूल। इंफरादी तरबीती मॉड्यूल में आपको 12 मुख्तलिफ मॉड्यूल नंबर 1 से नंबर 12 तक आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हर महीने के हिसाब से यहाँ पे मॉड्यूल अपलोड किया जाएगा। अभी हम पहले मॉड्यूल पे हैं तो हम मॉड्यूल 1 में जाएंगे और मॉड्यूल 1 में जाकर देखेंगे कि हमारे पास क्या मवाद मौजूद है। हमने मॉड्यूल 1 पे क्लिक किया तो आपके सामने पेज ओपन होता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे, इस मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे, उसको हाईलाइट भी किया गया है। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे इकामत दीन का क्या मतलब है, इकामत दीन के फरीजा क्यों ज़रूरी है, कुरान सुन्नत में इस फरीजा के हवाले से क्या अहकामात है और हमारे करने के काम क्या है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे। अब वो कैसे सीखेंगे, उसके लिए यहाँ पर ही नीचे आपको टेबल में निसाब दिखाया जा रहा है जो कि मुख्तलिफ है। मैं बारी बारी आपको बताता हूँ मॉड्यूल में शामिल निसाब क्या क्या है, ठीक है। उसको आप ऑडियो वीडियो फाइल में या पीडीएफ फाइल में, रिटन फाइल में आपको वो मवाद मौजूद रहेगा जो आप एक्सेस कर सकेंगे। सबसे पहले आपको मौजूद है तफसीर सूरह शुरा की आयत नंबर 13 है, तफसीर कुरान से ली गई है, उसकी तफसीर है वो जो पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है और ऑडियो फॉर्म में भी मौजूद है। आप इसको क्लिक कर इस पे जो हाइपर लिंक है इस पर क्लिक करके आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मौजूद है, इसी तरह ऑडियो वीडियो फाइल भी आगे आगे। दूसरा सेक्शन है अहादीस का, अहादीस में पीडीएफ और ऑडियो इस मॉड्यूल में अहादीस शामिल नहीं है तो इसलिए इसका लिंक हाईलाइटेड नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है सीरत वाक़ बैत उकबा सानी उला सानी, उसमें ऑडियो वीडियो फाइल है, पीडीएफ इसकी फाइल नहीं है बल्कि सिर्फ ऑडियो वीडियो फाइल है इसकी, तो आप इस पर क्लिक करके इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आगे आता है लिटरेचर फरीजा कामद दीन के हवाले से, तो तीन लिटरेचर के तीन फाइल अपलोड की गई हैं 1, 2, 3 के नाम से और इसमें ऑडियो। उसके बाद ऑडियो वीडियो लेक्चर है सेम अकामत दीन के हवाले से, ऑडियो वीडियो लेक्चर है और तो आप ऑडियो वीडियो लेक्चर को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। ये तमाम निसाब जब आप कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद सबसे उसके बाद आखिर में इस मॉड्यूल के हवाले से क्विज, कुछ क्विज हैं जो कि अपलोड किए गए हैं। ये जब आप सारा निसाब एक्सेस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो उसके बाद आपको ये क्विज अटैम्प्ट करने होंगे कुछ, तो आप क्विज गो टू लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन क्विज अपलोड किए गए हैं। और आप क्विज दो तरह से अपलोड किए गए हैं, एक ये है कि आप ऑनलाइन क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप क्विज को प्रिंट करें, अब मतलब उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हार्ड फॉर्म में और प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। दोनों तरीके मौजूद हैं, तो हम बारी बारी दोनों तरीकों को देखेंगे कि हमने किस तरह इसको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं गो टू क्विज 1, अगर आप उस पर क्लिक करते बटन पे तो वो ऑनलाइन क्विज अटैम्प्ट होता है, लेकिन अगर आप डाउनलोड पीडीएफ उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड पीडीएफ बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्विज डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप उसको हार्ड फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्विज 1 में डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। पीडीएफ फाइल ओपन होने के बाद हमारे पास
ये कुछ सवालात हैं जो कि इस मॉड्यूल के हवाले से इसमें अपलोड किए गए, 10 सवालात हैं पहले क्विज में, ठीक है। और कॉर्नर में आप देख सकते हैं डाउनलोड का बटन मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आप गो टू क्विज 1 पे क्लिक करिए, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको एक छोटी सी ऊपर एक रो नजर आती है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर ईमेल। यहाँ पर आप अपना ईमेल और नाम, सिर्फ ईमेल नहीं एंटर करना, ईमेल और नाम एंटर करना है ताकि हमें पता चल सके कि आप में से किसने ये क्विज अटैम्प्ट किया। जैसे कि साथ लिखा जा रहा है कि नेम और ईमेल दोनों आपने यहाँ पे एंटर कर लें, यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आखिर में वो हम ईमेल कोई भी आप एग्जांपल के तौर पर डाल देंगे, कोई भी वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपके पास नीचे सवाल आ गया है, एक सवाल मौजूद है सवाल नंबर 1 में, और उसके नीचे एक बॉक्स मौजूद है, वहाँ पर आप आंसर अपना लिखेंगे। ये आंसर आप उर्दू में लिख सकते हैं, रोमन उर्दू में लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। आप बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते, अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे तो ये नेक्स्ट नहीं होगा, ये आगे नहीं, विंडो आगे मूव नहीं करेगी, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप मालूम नहीं लिख सकते हैं, या मुझे जवाब नहीं मालूम तो आप कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स फिल करना ज़रूरी है, आप खाली इसको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद ये लिखने के बाद जैसे कि लिखा अपना यहाँ पर लिखें, और उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह सेम अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे सेम बॉक्स है, ऊपर जाने से आप आंसर लिखते जाएं सवाल का, और ईमेल और नाम पहली दफ़ा एंटर कर दिया वो काफ़ी होगा। अगर आप देखते हैं कि आपने सबमिट करने से पहले ये जितने भी सवाल होंगे यहाँ पे जिस तरह बता रहा है 3 out of 10, अगर आप चाहते हैं कि एक बार पिछले क्वेश्चन को देख लें कि शायद उसमें आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो आप प्रीवियस का बटन प्रेस कर सकते हैं, आपको प्रीवियस का बटन मौजूद है, आप प्रीवियस का बटन प्रेस करके आप पीछे जा सकते हैं, अपने सवाल को दोबारा चेंज कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। एक दफ़ा सबमिट हो गया आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट कर रहे हैं, आपको आप देख सकते हैं आखिरी क्वेश्चन जब आता है, आखिरी क्वेश्चन आने के बाद नेक्स्ट का बटन खत्म हो जाएगा और वहाँ पर सबमिट का बटन आ जाएगा। तो सबमिट का बटन आप लिखकर आप सबमिट का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं चंद सेकेंड के बाद विंडो यही विंडो रिफ्रेश होगी और आपके सामने यही विंडो रिफ्रेश होने के बाद आपके सामने आपने जितने सवाल में आपने जो सवाल अटेम्प्ट किए हैं और उनमें क्या क्या आपने लिखा है आपने आंसर, वो पूरी विंडो आपके सामने यहाँ पे मौजूद, वो दोबारा वो नीचे लिखा आ जाएगा, ऊपर लिखा है कंप्लीशन यू हैव कंप्लीटेड योर क्विज 1 और आपके आंसर नीचे नजर आ रहे हैं। तो वो जितने भी आपने आंसर अटेम्प्ट किए हैं उनके जो भी आंसर आपने लिखे हैं वो आपने आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये ही सेम प्रोसीजर है क्विज 2 के लिए, क्विज 3 के लिए, हर मॉड्यूल में ज़रूरी नहीं है 3 ही क्विज हो, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में एक हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये लाजिम नहीं होगा, लेकिन ये है कि क्विज ज़रूर अटेम्प्ट करें ताकि ये एक तरह से आपकी अपनी भी ट्रेनिंग हो जाती है, पता चल जाता है कि कितना उस मॉड्यूल से हमने सीखा है। सेम तरीक़ाकार है, तरबीती इनफरादी तरबीती मॉड्यूल में जाएँ, मॉड्यूल 1, 2, 3 या जितने भी मॉड्यूल हैं, जो भी मॉड्यूल है उसका क्विज में जाएँ और वहाँ पर जाकर आप दूसरा पहला दूसरा तीसरा या जितने भी क्विजेज हैं आप उसका अटैम्प्ट कर सकते हैं, यही तरीक़ेकार आप अपनाएंगे। जज़ाकअल्लाह खैरन।